पिछले दिनों एक मेडिकल स्टोर पर रेट पड़ी थी, उस मेडिकल स्टोर पर सरकारी दवाइयों का 70% सरकारी दवाइयों का स्टॉक मिला था। उसको लेकर कोई प्रक्रिया अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कठोर कार्रवाई हमें दिखाई नहीं दे रही थी, इसी को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। हमें जानकारी मिली, कल कलेक्टर महोदय ने उसकी एक जाँच कमेटी घोषित की थी, जिस जाँच कमेटी जो घोषित की थी, जो लोग संदेह के घेरे में, जो अस्पताल प्रशासन के जो लोग CMHO हैं, सिविल सर्जन, उन्हीं को जांच कमेटी में उन्होंने ले लिया। तो हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के द्वारा ये उनसे निवेदन किया है कि जो जांच कमेटी है, एक्चुअल में वो सारे लोग संदेह के घेरे में, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला बगैर सरकारी अस्पताल स्टाफ के बगैर संभव नहीं है। तो हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस जाँच कमेटी में कोई अन्य दो लोग, मजिस्ट्रेट या जो भी वो उचित समझेंगे, अन्य लोगों को जांच कमेटी में शामिल किया। अभी भी अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आपके क्या नहीं ये जनहितैषी मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा है। गरीबों के हिस्से की दवाइयां सरकारी अस्पताल में मिलती हैं और सरकार उन्हें मुफ्त मुहैया कराती है। अगर वो दवाइयाँ अगर मेडिकल स्टोर तक पहुँच गई हैं तो इसका मतलब ये गरीब का पेट काट रहे हैं, और गरीब के पेट काटने को लेकर हम बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे। 7 दिवस का हमने ज्ञापन के अंदर समय दिया है, नहीं अगर कार्रवाई होती है और हम संतुष्ट नहीं होते हैं कार्रवाई से, तो हम धरने पे बैठेंगे, और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल करेंगे, और भूख हड़ताल के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आमरण अनशन करेंगे हम गांधी पार्क।